नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका प्रबल एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने एक करंट के मुद्दे को सामने लेकर आए हैं जो कि हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में बना हुआ है और विभिन्न चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर आपने इसकी चर्चा जरूर सुनी होगी। आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्यों हो रहा है कृषि बिलों का विरोध, यानी सरकार के द्वारा पहले जून में अध्यादेश जारी करके कृषि बिल, तीन बिल लाए गए अध्यादेश के माध्यम से, और अभी हाल फिलहाल में उनको विधेयकों के माध्यम से सदन के द्वारा पारित करा लिया गया है। किसान इस बिल पे नाराज हैं। क्या नाराजगी है किसानों की, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्नों का जवाब पाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि भाजपा की एक सहयोगी दल SAD यानी शिरोमणि अकाली दल की जो नेता थी हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि वो तीन बिल कौन से हैं जिनका किसान विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बिल जो है आपका वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। वहीं दूसरे की बात करें तो कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। और जो सबसे ज्यादा जिस बिल का विरोध हो रहा है वो है मूल्य आश्वासन पर किसान, बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, यानी ये नाम आपको दिख रहे हैं। आज हम इसी वीडियो में इन बिलों के सरल से सरल अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इनका मतलब समझ में आ जाए। चलिए, तो फिर सबसे पहले जो विरोध हो रहा है वो हो रहा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का। इस बिल में जो है उसमें सबसे पहले सरकार ने यह किया है कि जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम था 1955 वाला, उसको चेंज किया है। यानी जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 था उसमें यह बात कही गई थी कि जो प्रमुख खाद्य वस्तुएं हैं आपकी, जैसे कि आलू, प्याज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, साथ ही साथ आपके चीनी और बाकी सभी आवश्यक वस्तुएं, उनके भंडारण पर सरकार के द्वारा मनाही थी। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी व्यापारी या वेयर हाउस का व्यक्ति आवश्यकता से अधिक, यानी जितनी उसको इजाजत है उससे ज्यादा इन वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकता था। इससे मार्केट में इन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बराबर तरीके से बनी रहती थी, जिससे इन वस्तुओं के दाम कंट्रोल रहते थे, यानी निश्चित मात्रा में रहते थे। हाल फिलहाल में सरकार ने इनमें संशोधन करके खाद्य वस्तुओं को, आलू को, प्याज को आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के द्वारा इस सूची से बाहर कर दिया गया है। सिर्फ चीनी को छोड़ करके बाकी सारी वस्तुएं लगभग आपकी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के द्वारा बाहर की गई हैं। इस बिल का भी विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर व्यापारी जो है वो भंडारित कर लेंगे सामान, और इससे मार्केट में सामानों की शॉर्टेज होने के साथ ही कीमतों में हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। दूसरा जो विधेयक है आपका वो है, नेक्स्ट विधेयक जो है आपका वो विधेयक है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वो है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि MSP क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा विरोध है वो किसानों का है कि MSP क्या होती है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार के द्वारा कृषि पूर्व यानी फसल लगाने से पहले ही किसानों को उनकी फसल का कितना मूल्य प्रदान किया जाएगा इसकी आश्वासन उनको दिया जाता है, इस बात का आश्वासन सरकार के द्वारा दिया जाता है। CACP एक संस्था है जिसके द्वारा ये सरकार को सलाह दी जाती है कि MSP को कितना रखना है, और हाल में A2+FL विधि से MSP का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। CACP के द्वारा ये बताया जाता है कि MSP को कितना रखना है, और सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगुना करने के मामले में MSP का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। वहीं CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा ये बात सुनिश्चित की जाती है कि किसानों को उनकी उपज का
उचित मूल्य मिल सके, यानी एमएसपी पर उनकी फसलें बिक सके। एमएसपी पर फसल खरीद के लिए सरकार मुख्यतया दो माध्यमों का उपयोग करती है, जो कि आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएगा। उसमें एक माध्यम है सरकारी खरीद केंद्र, जिन्हें आमतौर पर एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंडियों के माध्यम से यानी बाजार समितियों के माध्यम से, जिन्हें हम एपीएमसी के नाम से जानते हैं, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी, जिन्हें कहीं कहीं मंडियां, कहीं कहीं बाजार समिति के नाम से जानते हैं, किसानों का जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसको खरीदने का काम एमएसपी पर करती हैं। तो किसानों की आशंका है कि सरकार ने जो ये बिल पेश किए हैं, इसके माध्यम से जो बाकी दोनों बिल हैं, उसके माध्यम से निजी कॉरपोरेट खजानों का इन पर आधिपत्य हो जाएगा और वो क्या करेंगे कि एमएसपी से कम दामों पर अपने आधार पर, अपने रेवेन्यू के आधार पर, अपनी कैपिटल के आधार पर वो मार्केट को डिस्टॉर्ट करके एमएसपी से कम कीमत पर किसानों की उपज को खरीदने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि बाकी दो विधेयकों में क्या कहना है। तो बाकी जो दो विधेयक आपको दिखते हैं, उनमें सबसे पहला है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें आपको समझना है सिंपल तरीके से कि ये विधेयक जो है, ये बढ़ावा देता है किसको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। साथ ही साथ कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य एवं सरलीकरण में विधेयक में यह कहा गया है आपका कि किसान जब अभी तक सिर्फ दो माध्यमों से अपनी फसल बेच सकता था, एपीएमसी के माध्यम से और एफसीआई के माध्यम से, यानी सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से, साथ ही साथ वो अपने राज्य में ही फसल बेच सकता था। लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन लाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि किसान अपनी फसल को किसी अन्य राज्य में, चाहे तो अपने राज्य में ही, अपने आसपास की मंडी को छोड़ करके कहीं और, या फिर किसी अन्य राज्य में भी फसल बेच सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पंजाब में गेहूं उत्पादक किसान अपने गेहूं को बिहार की मंडियों में ले जाकर के बेच सकता है, अगर बिहार में उसको उसका उचित मूल्य मिल रहा है। साथ ही साथ एपीएमसी की जो संरचना है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, यानी सरकार एपीएमसी को खत्म करने की बात नहीं कह रही है, लेकिन किसान चाहे तो डिजिटल माध्यम से, चाहे तो फिजिकल माध्यम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करके अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके अपना सामान बेच सकता है। वहीं जो दूसरा विधेयक है, इसके बाद वाला, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा और समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020। इसके माध्यम से सरकार किसानों की आय सुरक्षा करना चाहती है, ऐसा सरकार के द्वारा कहना है। मतलब इस विधेयक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाने की बात है, यानी सरल अर्थों में हम कहें तो जैसे किसी एक गांव में 100 किसान एक साथ खेती करते हैं और किसी कंपनी को डायरेक्ट मंडी या फिर एफसीआई के माध्यम से खरीदी ना करके, अगर वो किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके वो सामान खरीदना चाहती है, तो इस बिल के माध्यम से निजी क्षेत्र को, कॉर्पोरेट घरानों को इस बात की अनुमति प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए हम समझ लें कि अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी चाहती है कि वो डायरेक्ट किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनका सामान उचित मूल्य पर खरीद ले, तो इस बिल के माध्यम से वो निजी कंपनी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र दिखाई देती है। किसानों को इस बिल पर यह आशंका है कि कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, मार्केट डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज का यूज करके, हो सकता है कि उनको उनकी उपज का उचित मूल्य जो है वो ना प्राप्त हो सके। इसी
वजह से किसानों का विरोध हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहां ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसानों के द्वारा फसलों को बेचने की प्रक्रिया ज्यादा दिखाई देती है। बिहार सरकार ने तो पहले ही एपीएमसी जैसी संस्थाओं को एबॉलिश कर दिया था, यानी वहां बाजार समिति जैसी संस्थाएं अब अस्तित्व में नहीं दिखाई देती हैं। तो सरकार का अपना तर्क है, किसानों का अपना तर्क है, लॉन्ग टर्म में इस योजनाओं का फायदा या नुकसान हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप ये बात समझ पाए होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, उसके अलावा जो ये दो विधेयक हैं सरकार के पास किए गए हैं उनमें किसानों की क्या आशंकाएं हैं और सरकार के द्वारा क्या पक्ष दिखाए गए हैं।